अस्सलाम स्टूडेंट्स ऑफ सेवन क्लास, आज हम अपनी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पेज नंबर 45 पे। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को हमने टिक लगाना है। फर्स्ट है टू सेपरेट अ होल नंबर फ्रॉम फ्रैक्शनल पार्ट इन अ डेसिमल, वी यूज़ द सिंबल। हमें अगर एक फ्रैक्शनल पार्ट को एक होल नंबर से अलग करना हो डेसिमल की फॉर्म में, तो हम कौन सा सिंबल इनमें से यूज़ करते हैं? तो इसका है आपका बी ऑप्शन कि हम पॉइंट लगाते हैं, ये वाला बी पे आप सर्कल कर लो या टिक लगा लो। सेकंड है आपका इफ़ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.7461 अप टू टू डेसिमल प्लेसेस वी गेट 3.7461। अगर इसको टू डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद दो नंबरों तक जवाब हमने लाना हो, तो सिक्स की वजह से हम फोर को राउंड करके फाइव बना लेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा 3.75, डी ऑप्शन। थर्ड है अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ इट्स डिनोमिनेटर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब निकलता है? अगर उसके डिनोमिनेटर के सिर्फ दो प्राइम फैक्टर हों, टू एंड फाइव। सी ऑप्शन को आप निशान लगा लो। फोर्थ है व्हेन वी चेंज 0.25 टू द रैशनल नंबर वी गेट 0.25 को रैशनल नंबर में अगर चेंज करें, पॉइंट ख़त्म करके नीचे वन लगाएंगे हम फ्रैक्शन में और आगे दो ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर हैं, 25/100 बनेगा। फिर अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएँ, 25 से हम कटिंग कर दें 25 की और 100 की, तो हमारा आंसर 1/4 सी ऑप्शन वाला निकल आएगा। इन एमसीक्यूज़ को आप अपनी बुक पे सॉल्व करोगे और आज के होमवर्क में आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपनी कॉपीज पे करोगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स, इन नंबर्स को आपने चेंज करना है रैशनल नंबर्स में, पॉइंट की जगह नीचे वन लगाकर आगे जितने नंबर होंगे उतने ज़ीरो लगाओगे और जो शॉर्ट फॉर्म में आ सकेगा उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।